कभी खाना खाने के बाद बार बार भूख लगती है? क्या पेट भरे होने के बाद भी कुछ खाने का मन करता है? तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, कई तरह की बीमारियों के संकेत हैं। नमस्कार, मैं दीति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे, हमें खाना खाने के बाद भी कुछ खाने का मन करता है तो ऐसा क्यों होता है? बार बार भूख लगने और खाना खाने की वजह से हमारा वजन भी बढ़ने लगता है, कई दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, उसके जिम्मेदार भी ये चीज है। आइए जानते हैं कि खाना खाने के बाद भी भूख लगने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अधूरी नींद। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बार बार भूख लगने की वजह से नींद पूरी ना होने भी हो सकता है। हर किसी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। ये दिमाग और इम्यून सिस्टम को सही रखने में मदद करता है। अच्छी नींद से पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो भूख का संकेत देने वाला एक हार्मोन बढ़ जाता है, इससे बार बार भूख लगती है। इसलिए अच्छी तरह सोइए और नींद पूरी करिए। इसके साथ ही डायबिटीज, ज्यादा भूख लगने की वजह से डायबिटीज भी एक कारण हो सकता है। डायबिटीज मरीज में ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से एनर्जी बनाने की बजाय यूरिन के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। कई बार शुगर लेवल हाई होने के बाद भी आपको भूख ज्यादा लगती है, ऐसे में एक बार शुगर लेवल चेक करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस भी भूख लगने की वजह हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार ज्यादा स्ट्रेस लेने पर शरीर में कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बढ़ जाता है, इसका सीधा असर हमारी भूख पर पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी भूख लगना बेहद जरूरी सामान्य माना जाता है। अब जानते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी भूख ना लगे, इसके लिए डाइट में कुछ छोटे मोटे बदलाव करने की जरूरत है। अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा ठीक करना चाहिए। एक दिन में 25 से लेकर 35 ग्राम फाइबर लेनी चाहिए। शरीर में प्रोटीन का बैलेंस होना भी बेहद जरूरी है। प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों के विकास के साथ साथ शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। अपनी डाइट में अनाज और सब्जियां लें। नाश्ता, लंच और डिनर में एक कंप्लीट डाइट फॉलो करें। इससे आपको इस समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हेल्दी टिप्स के लिए बने रही हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।